हेलो दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में जो फाइनल मैच रहने वाला है, ओडीआई का ये मैच रहेगा दोस्तों। इसके बारे में हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में 2 ODI हो चुके हैं। लास्ट ये ODI रहने वाला है, 3rd ODI रहेगा दोस्तों। इसके बारे में A to Z जो प्लेयर्स रहने वाले हैं, क्या कुछ स्पीच रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं दोस्तों। और इनके हेड टू हेड के रिकॉर्ड भी यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। इस मैच के अंदर आपके लिए 50,000 रुपये गिवे रखा गया। अगर आप विन करना चाहते हैं दोस्तों, आप आसानी से विन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। फिर दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको कमेंट करना है दोस्तों, इस मैच के कैप्टन कौन रहने वाले हैं और उनके कितने पॉइंट इस मैच के अंदर बनने वाले हैं। इस मैच का कैप्टन और उनके कितने पॉइंट इस मैच के अंदर बनने वाले हैं, ये आपको कमेंट करना है। अगर आपका कमेंट दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम के अंदर मैच कर गया तो आपको 50,000 रुपये का गिवे मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस गिवे के अंदर अगर 2-3 मेंबर्स का अगर साथ में क्लैश हो गया तो उनका जो भी अमाउंट रहने वाला है दोस्तों, वो 50,000 में से डिवाइड करने के बाद में ही आपको मिलने वाला है। ये नहीं कि सभी को 50,000 रुपये मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। इस मैच के अंदर क्या कुछ अभी रहने वाला है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें टेलीग्राम चैनल का, जो लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं करता दोस्तों, तो आप @ActiveIlevenGL सर्च करवाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको आसानी से टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों T20 और T10 के रिकॉर्ड भी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाता देता हूँ। साथ में दोस्तों हेड टू हेड और ग्रैंड लीग की टीम भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इंडिया के जो लास्ट मैच की जो बैटिंग लाइनअप रही थी, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इस मैच के अंदर कुछ भी चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं। सेम लग बैटिंग लाइनअप यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाली है। बाकी दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से देखें तो इंग्लैंड में हो सकता है एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है। बी कार्सी के बाद जगह दोस्तों आपको मैट पार्किंसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस मैच के अंदर, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर स्पिनर्स को थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिली है। लास्ट के 2-3 मैच का अगर रिकॉर्ड देखें दोस्तों, लास्ट के 3 मैच जो हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर खेले हुए हैं। उसके अंदर दोस्तों 3 मैच के अंदर एडम जंपा ने 10 विकेट अभी तक निकाल रखे हैं दोस्तों। ये ग्राउंड के बारे में बात करें तो इस पिच रिपोर्ट में क्या कुछ अभी तक रहने वाला है, ओल्ड ट्राफोर्ड मैनचेस्टर का ये ग्राउंड रहने वाला है दोस्तों। अभी तक यहाँ पे 5 मैचेज जो रहे हैं, लास्ट के 5 मैचेज का रिकॉर्ड हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 2019 से लेकर 2022 तक यहाँ पे 5 मैच हुए हैं दोस्तों। अभी तक पहले बैटिंग करने वाली टीम का जो एवरेज रहता है 276 का अभी तक रहा है। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने दोस्तों यहाँ पे 80% मैच विन किए हैं। लास्ट के जो 5 मैच रहे हैं, 5 में से 4 मैच जो रहे हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही विन किए हैं। विकेट स्प्लिट की बात करें दोस्तों, 78 विकेट पेसर्स के नाम रहे हैं, वहीं पर स्पिनर्स के नाम 39 विकेट अभी तक इस ग्राउंड के ऊपर रहे हैं। लास्ट 5 मैच का अगर रिकॉर्ड देखें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट 5 में से मात्र 1 मैच जो रहा है दोस्तों, लास्ट मैच उसी मैच के अंदर चेज करने वाली टीम ने विन किए हैं। बाकी चारों के चारों मैच जो रहे हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किए हैं दोस्तों। ये 3 मैच जो हुए थे ऑस्ट्रेलिया के रहे थे, 2020 के अंदर हुए थे। इन 3 मैचेज के अंदर दोस्तों एडम जंपा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी यहाँ पे, और 3 मैच के अंदर 10 विकेट वो निकाल गए थे। 2 मैच के अंदर 3-3 विकेट लिए थे, 1 मैच के अंदर 4 विकेट इनके नाम रहा था। तो हो सकता है दोस्तों इस मैच के अंदर भी आपको स्पिनर्स के द्वारा कुछ विकेट ऐसी इसी तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं कि वो भी विकेट इस मैच के अंदर निकाल सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों अगर देखें भी इंग्लैंड वर्सेज इंडिया का जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड रहा है, लास्ट के 5 सालों के अंदर 9 मैच इन्होंने खेले, इंग्लैंड ने 5 मैच विन किए हैं, वहीं पर इंडिया ने 4 मैच अभी तक विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें दोस्तों, इंग्लैंड का 272 रहता है, वहीं पर इंडिया का एवरेज स्कोर 256 अभी तक रहा है लास्ट 5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो। हाईएस्ट स्कोर की बात करें दोस्तों, हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का 237 रहा है, वहीं पर इंडिया का हाईएस्ट स्कोर 236 अभी तक रहा है लास्ट के 5 सालों का अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो आपको यही देखने को मिलने वाला है। इन दोनों टीमों के बीच में जब भी मैच हुए हैं तो मोस्ट रनों की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले विराट कोहली का नाम नज़र आने वाला है। विराट कोहली ने अभी तक 32 मैच के अंदर 1252 रन अभी तक बनाए हुए हैं। जॉय रूट की बात करें 18 मैच के अंदर 728 रन। जॉनी बेस्टो की बात करें दोस्तों, अभी ये बिल्कुल लय में चल रहे हैं, 14 मैच के अंदर 582 रन इनके नाम रहे हैं। रोहित शर्मा की बात करें 15 मैच के अंदर 544 रन। शिखर धवन ने 15 मैच में 526 रन अभी तक बनाए हुए हैं हेड टू हेड के अंदर। जोसन रॉय की बात करें दोस्तों, 8-9 मैच के अंदर 479 रन इनके नाम रहे हैं। वहीं पर बेन स्टोक्स ने 10 मैच के अंदर 474 रन अभी तक बनाए हुए हैं। ये दोस्तों अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ओनली एज ए बैट्समैन ही ये खेल रहे हैं, बॉलिंग बेन स्टोक्स से नहीं करने वाले। रविंद्र जडेजा की बात करें दोस्तों, 22 मैच के अंदर 465 रन इनके नाम रहे हैं। जोस बटलर ने दोस्तों अभी तक 19 मैच खेले हुए हैं, इंडिया के खिलाफ 331 रन ये बना चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने 10 मैच के अंदर 302 रन। मोइन अली ने 13 मैच के अंदर 282 रन। ऋषभ पंत की बात करें दोस्तों, लास्ट के 2 मैच के अंदर ये फ्लॉप रहे हैं,
पांच मैच के अंदर तकरीबन 190 के आसपास रन इनके रहे हैं। सैम कर्न की बात करें दोस्तों, तीन मैच के अंदर 107 रन, डेविड विली ने छः मैच के अंदर 66 रन, लिविंगस्टोन ने दो मैच के अंदर 63 रन बनाए हैं। वहीं पर शार्दुल ठाकुर की बात करें, चार मैच के अंदर 52 रन इन्होंने अभी तक बनाए हैं हेड टू हेड के अंदर। हेड टू हेड के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें दोस्तों, तो आपको रविंद्र जडेजा का यहाँ पे सबसे ऊपर नाम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत सारे मैच खेले हुए हैं। 24 मैच ये खेल चुके हैं तो 37 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। मोहम्मद शमी ने 13 मैच खेले हैं, वहीं पर 21 विकेट ये भी निकाल चुके हैं। बुमराह ने 6 मैच में 14 विकेट, बेन स्टोक्स अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, 18 मैच के अंदर 13 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। मोइन अली की बात करें दोस्तों, 15 मैच के अंदर 9 विकेट, डेविड विली ने 8 मैच में 9 विकेट, रेस टोपले की बात करें 4 मैच के अंदर 9 विकेट ये अभी तक निकाल चुके हैं। लास्ट मैच के अंदर 6 विकेट इन्होंने निकाले थे, वही इनका मोस्ट विकेट इनके रहे हैं इंडिया के खिलाफ। हार्दिक पांड्या की बात करें, 12 मैच के अंदर 8 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। अगर दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर टॉप रन स्कोरर की बात करें, जोनी बेस्टो इस ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। 8 मैच के अंदर तकरीबन 50 की दोस्तों इनकी एवरेज रहती है, 50 से ऊपर ही मान लीजिए 425 रन अभी तक ये बना चुके हैं। जोस बटलर थोड़ा सा वीकली यहाँ पे रहने वाले दोस्तों, 8 मैच के अंदर 199 रन इनके नाम रहे हैं। जॉय रूट भी इस ग्राउंड के ऊपर फ्लॉप रहे हैं दोस्तों, 8 मैच के अंदर मात्र 186 रन इनके नाम रहे हैं। रोहित शर्मा का 50 का एवरेज रहता था दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर, 3 मैच के अंदर 159 रन अभी तक ये बना चुके हैं। विराट कोहली का भी 50 का एवरेज रहा है दोस्तों, 3 मैच के अंदर 150 रन ये भी बना चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने 3 मैच के अंदर 104 रन अभी तक बनाए हुए हैं इस ग्राउंड के ऊपर। जसन रॉय की बात करें दोस्तों, 6 मैच के अंदर मात्र 92 रन, बेन स्टोक्स ने 5 मैच के अंदर 86 रन इस ग्राउंड के ऊपर बनाए हुए हैं। इस ग्राउंड के ऊपर दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो मोइन अली के नाम रहने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ प्लेयर्स रहने वाले दोस्तों, की प्लेयर जो इस सीरीज के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मोइन अली का नाम आपको पूरी ऊपर देखने को मिलने वाला है। 6 मैच के अंदर 8 विकेट ये निकाल चुके हैं। सैम कर्न ने 2 मैच में 5 विकेट निकाले हैं, अभी तक वो एक ही मैच नहीं खेले हैं। हार्दिक पांड्या ने 3 मैच में 4 विकेट, शमी ने 1 मैच के अंदर 4 विकेट निकाले हुए हैं इस ग्राउंड के ऊपर। बेन स्टोक्स ने 5 मैच में 3 विकेट, वहीं पर बुमराह ने 3 मैच में 3 ही विकेट इनके नाम रहे हैं। चहल ने भी यहाँ पे 3 मैच खेले हुए हैं, 3 मैच के अंदर 3 विकेट इनके नाम रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में देखें, जोस बटलर ओपनिंग जरूर सॉरी दोस्तों 5 नंबर के ऊपर ये खेल रहे हैं, अभी लास्ट मैच के अंदर 4 रन बना के आउट हो गए थे। इनके बैट से दोस्तों रन देखने को नहीं मिले, बाकी जितने भी इनके पॉइंट बने हुए हैं सारे के सारे विकेट कीपिंग से ही लिए हुए। लास्ट मैच के अंदर तकरीबन 3-4 तो इन्होंने कैच लिए थे लास्ट मैच के अंदर। जॉनी बेस्टो थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर 38 रन की पारी इन्होंने खेली थी, हो सकता है इस मैच के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं। बाकी इनका हेड टू हेड के अंदर और इस ग्राउंड के ऊपर भी अच्छा खासा रिकॉर्ड अभी तक रहा है। जॉनी बेस्टा को फिलहाल मैं यहाँ पे पिक करने वाला दोस्तों, अगर दोस्तों पिच रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप टीम क्रिएट करते हो तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहने वाला है। जो टॉस जीतेगा, जो पहले बैटिंग करेगा, उसी के प्लेयर्स को ज़्यादा थोड़ा सा अहमियत दीजिएगा। चेंज करने वाले टीम के प्लेयर्स थोड़े से कम रखिएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा ग्रैंड लीग विन करना आसान होने वाला है उस मैच के अंदर। दोस्तों यहाँ पर मैंने बैट्समैन के अगर कैटेगरी की बात करें तो रोहित शर्मा को यहाँ पर पिक किया है लास्ट मैच के अंदर। जरूर ये जल्दी आउट हो गए थे दोस्तों, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इस ग्राउंड के ऊपर भी अच्छी खासी रही है। लास्ट मैच में डक पर ये आउट हो गए थे। सूर्य कुमार यादव की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर 27 रन इन्होंने बनाए थे, अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर भी जल्दी आउट ये हो गए थे। लिविंगस्टन की बात करें दोस्तों, ये आपको बॉलिंग में अगर स्पिनर्स को मदद मिली तो आपको ये 5-7 ओवर भी निकाल के दे सकते हैं। साथ में दोस्तों ये नंबर 5 या 6 के ऊपर ये खेलने वाले दोस्तों, वहाँ पे भी लास्ट मैच के अंदर 33 रन इन्होंने बनाए थे लास्ट मैच के अंदर। शिखर धवन की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर ये भी फ्लॉप रहे थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड देखें दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्ड इनका रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप इनको पिक करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर बेटर रहने वाला है। लास्ट मैच के अंदर दोस्तों 26 बॉल इन्होंने खेली थी, मात्र 9 रन इन्होंने बनाए थे लास्ट मैच के अंदर। बाकी जॉय रूट भी अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे रहने वाले दोस्तों, इनकी फॉर्म भी आउट ऑफ फॉर्म ये चल रहे हैं ओडीआई के अंदर, लेकिन इनकी टेस्ट के अंदर क्या लवाजा फॉर्म इनकी चल रही है। विराट कोहली की बात करूँ दोस्तों, 3 मैच के अंदर अभी तक ये 150 रन इस ग्राउंड के ऊपर बना चुके हैं, लेकिन ये भी आउट ऑफ फॉर्म है चल रहे हैं। जोसन रॉय की बात करूँ दोस्तों, जोसन रॉय का इतना अच्छा रिकॉर्ड इस ग्राउंड के ऊपर नहीं रहा है, अभी तक 6 मैच खेले हुए हैं इन्होंने, 6 मैच के अंदर 100 रन भी ये अभी तक नहीं बना पाए हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया हुआ है। हार्दिक पांड्या की बात करें दोस्तों, आपको 5-6 ओवर भी करके देने वाले हैं, साथ में नंबर 6-7 के ऊपर ये खेलने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर 29 रन भी बनाए थे और विकेट भी इन्होंने निकाले थे। मोइन अली की बात करें दोस्तों, ये आपको बॉलिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट देने वाले हैं, अगर स्पिनर्स को इस ग्राउंड के ऊपर मदद मिली तो पूरी दशा ओवर ये करने वाले हैं। बाकी लास्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, इनकी लास्ट मैच के अंदर भी 47 रन इन्होंने बनाए थे और सबसे ज़्यादा रन लास्ट मैच के अंदर इन्हीं के नाम रहे थे 47 रन, इनसे ऊपर किसी ने रन नहीं बनाए थे लास्ट मैच के अंदर। 41 रन जो रहे थे डेविड विली के नाम रहे थे। बेन स्टोक्स की बात करें दोस्तों, ये भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लास्ट मैच में 21 रन इन्होंने बनाए थे, बाकी ये बॉलिंग नहीं करने वाले दोस्तों।
तो उसके बाद हम जो भी अपडेटेड टीम रहने वाली है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट है करवा दूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, जसप्रीत बुमराह को मैंने यहाँ पे पिक किया है। इस ग्राउंड के ऊपर भी ये 3 मैच के अंदर 3 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं और हेड टू हेड के अंदर भी इनका रिकॉर्ड है अच्छा अभी तक रहा है। 8 मैच के अंदर ये 14 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। मोहम्मद शमी की बात करें दोस्तों, इस मैच के अंदर मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको रख सकते हैं क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर 4 विकेट ये निकाल चुके हैं। हेड टू हेड की बात करें दोस्तों, अभी तक 8 मैच के अंदर 20 विकेट ये निकाल चुके हैं हेड टू हेड के अंदर, तो हेड टू हेड के अंदर भी इनका रिकॉर्ड रहने वाला दोस्तों, और इस ग्राउंड के ऊपर भी अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड रहा है। डेविड विली दोस्तों आपको बैटिंग से ही अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं, लास्ट मैच के अंदर विकेट जरूर इनके नाम नहीं रहा लेकिन लास्ट मैच के अंदर 41 रन इन्होंने बनाए थे, उससे पिछले मैच के अंदर भी इन्होंने रन बनाए थे। दोनों मैच के अंदर बैटिंग इनकी अच्छी रही है, बाकी बॉलिंग से इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही है। बाकी दोस्तों अगर इंडिया पहले अगर बैटिंग करती तो आप यहाँ पे जितेंद्र चहल को भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं, लास्ट मैच में 2-3 विकेट ये निकाल गए थे, हो सकता है इस मैच के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। बाकी लास्ट मैच में 4 विकेट इन्होंने निकाले थे। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट मैच के अंदर 8 ओवर किए दोस्तों, काफ़ी महंगे जा गए थे लास्ट मैच के अंदर, 53 रन खर्च किए थे, मात्र 1 ही विकेट इनके नाम रहा था। बाकी दोस्तों यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों यहाँ पे शिखर धवन को आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शन रहे दोस्तों क्योंकि इनका हेड टू हेड के अंदर अच्छा खासा स्कोर अभी तक रहा है दोस्तों। इस ग्राउंड के ऊपर 270 के आसपास स्कोर रहने वाला है, लास्ट के 5 मैच में से 2 मैच के अंदर दोस्तों 300+ का स्कोर देखा गया है और बाकी सभी मैच के अंदर 250 से ऊपर रन बने हैं। शिखर धवन और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी अच्छा खासा रहा है दोस्तों, इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैच के अंदर 150 रन ये अभी तक बना चुके हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद शमी भी अच्छी ऑप्शन रह सकती है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको भी रख सकते हैं। जॉनी बेस्टो भी अच्छी ऑप्शन रही दोस्तों, आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं क्योंकि इनका इस ग्राउंड के ऊपर भी अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है और रिसेंटली इंडिया के खिलाफ भी इनका रिकॉर्ड अच्छा खासा रहा है अभी तक। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, साथ में आपको 5-6 ओवर भी आपको करके देने वाले, साथ में बैटिंग में भी नंबर 5 या 6 के ऊपर ये आ जाते हैं तो हो सकता है इस मैच के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट रहने वाला है ड्रीम इलेवन की टीम के अंदर, जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूँगा।